टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 36वें मुकाबले में रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सामना आयरलैंड से हुआ। यह मैच फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला गया। लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को 3 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर समाप्त हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 106 रन बनाए। जवाब में 7 गेंद शेष रहते पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 111 रन बनाए दिए। शाहीन शाह अफरीदी 5 गेंदों पर 13 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान उन्होंने 2 छक्के लगाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत खराब रही और टीम नियमित अंतराल में विकेट खोती चली गई। एंड्रू बालबनी का खाता नहीं खुला। इसके बाद लोकन टकर ने 2, पॉल स्टर्लिंग ने 1, हैरी कैटर ने 0, जॉर्ज ब्रॉकर ने 11, कर्टिस कैंपर ने 7, गैरेथ देलानी ने 21, मार्क अदाया ने 15 और बैरी मैकार्थी ने 2 रन बनाए। जोशुआ लिटिल 22 और बेंजामिन वाइट 5 रन बनाकर नाबाद रहे। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम ने 3-3 विकेट चटकाए। उनके अलावा मोहम्मद आमिर को 2 और हारिस राउत ने 1 शिकार किया। 107 रनों के आसान से दिख रहे लक्ष्य का पाकिस्तान ने होंते-होंते चेज किया। बाबर आजम एक छोर पर टिके रहे, उन्हें अन्य बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। पाकिस्तान की ओर से सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, सईम अयूब ने 17-17 रन बनाए। फखर जमान ने 9 गेंदों पर 5, उस्मान खान ने 2, इमाद वसीम ने 4 और अब्बास अफरीदी ने 17 रन बनाए। शाहीन अफरीदी 5 गेंदों पर 13 और बाबर आजम 32 रन बनाकर नाबाद रहे। आयरलैंड की ओर से बैरी मैकार्थी को 3 सफलताएं मिली। उनके अलावा कर्टिस कैंपर ने 2 और बेंजामिन वाइट मार्क अदाया ने 1-1 शिकार किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।